कभी नहीं बिगड़ेगा आपका अगर आप एक काम करो, खाना खाने के बाद कभी भी पानी मत पियो, ये नियम है। आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र में लिखा गया है भोजनांजे विषम भारी, माने भोजन के अंत में पानी पी लिया तो समझ लो जहर पी लिया, इतना खराब कहा गया है। ये कहा गया भोजन के बाद में जो पानी पीते हैं उनको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, वो अपने ही सबसे बड़े दुश्मन। अब आप कहोगे ये तो बड़ी मुश्किल होगी, हम तो खाने के बाद पानी पे पानी पीते, लोटे पे लोटा घटकते, और कई लोग तो खाने से ज्यादा पानी पीते, और आयुर्वेद कहता है कि खाने के बाद पानी पियो ही मत, ये चक्कर क्या? ये चक्कर को मैं सरल भाषा में समझाता हूँ आपको। ये चक्कर क्या? चक्कर ऐसा है कि जब आप खाना खाते हो, खाना पेट में इकट्ठा होता है, पेट में एक छोटा सा स्थान होता है, उसको कहते हैं जठर, अंग्रेजी में कहते हैं एपिगैस्ट्रियम। ये नाभि होती है ना, नाभि के बगल में बाएं हाथ पर एक छोटी सी थैली होती है, उसको कहते हैं जठर, उसी को कहते हैं एपिगैस्ट्रियम। एमबीबीएस वाला कोई होगा तो एपिगैस्ट्रियम कहेगा, बीएएमएस वाला होगा तो जठर कहेगा। ये जठर या एपिगैस्ट्रियम एक थैली होती है, इसमें सारा खाना इकट्ठा होता है। आपने रोटी खाई, आपने दाल खाई, आपने चावल खाया, आपने दही पिया, आपने दूध पिया, जो भी किया वो सब उस एपिगैस्ट्रियम माने जठर में आता है। अब जब ये सारा खाना जठर में इकट्ठा होता है तो इस खाने के पचने की क्रिया शुरू होती है, और खाने को पचाने के लिए उसमें अग्नि जलती है, आग। जैसे रसोई घर में होता है ना, हम गैस को जलाते हैं तो आग जलती है, उसके ऊपर हम कुछ भी पका सकते हैं। अगर गैस जले तो दूध रख दो, दूध में चावल डाल दो, खीर पक जाएगी, लेकिन अगर गैस नहीं है तो कुछ नहीं पकेगा। ऐसे ही केस में होता है, एपिगैस्ट्रियम माने जठर में सारा खाना आया, खाने के पचने के लिए आग की जरूरत होती है, अग्नि, उसी को कहते हैं जठर अग्नि, मिला के कहते हैं जठर अग्नि। तो हम खाना खाते हैं, अग्नि जल जाती है, फिर खाने का पचना शुरू होता है। अब मुझे आप ये बताओ कि हमने खाना खाया, अग्नि जलना शुरू हो गई, खाना पचना शुरू हो गया, तभी हमने घटक घटक पानी पी लिया, क्या होगा? अग्नि जलेगी कि बुझेगी? अब अग्नि बुझ गई तो खाना नहीं बचेगा, खाना नहीं बचेगा तो फिर खाना सड़ेगा, और सड़ा हुआ खाना 100 से ज्यादा रोग उत्पन्न करेगा। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया कि खाने को पचने के लिए अग्नि को जलने दो, और अग्नि को जलने देने के लिए पानी मत डालो उसके ऊपर, इसलिए खाने के बाद पानी मत पियो। समझ में आया? अब ये जो खाना है, ये जब पचता है शरीर में तो पचा हुआ खाना रस में बदलता है, और उस रस में से मांस मज्जा रक्त वीर मल मूत्र बनता है। मल और मूत्र शरीर के काम का नहीं है, शरीर उसको छोड़ देता है, लेकिन मांस मज्जा रक्त वीर जो काम की चीजें हैं, शरीर उसको धारण कर लेगा। तो खाना पचेगा तो मांस बनेगा, रक्त बनेगा, वीर बनेगा, ताकत आएगी, और खाना सड़ेगा तो जहर बनेगा, जहर बनेगा तो बीमारियां करेगा, और रक्त बनेगा तो शरीर को ताकत देगा। अब क्या करना है, खाने को पचा के जहर रक्त बनाना, या सड़ा के जहर बनाना, पचा के रक्त में बदलना? तो समझ में आया? तो खाना पचने के लिए अग्नि, अग्नि के लिए पानी नहीं डाल सकते उसके ऊपर, क्योंकि अग्नि पे उसका गूदा निकालो, उसको मैश करो, फिर पानी मिलाओगे ना, तभी तो रस बनेगा। तो कोई भी रस बनाने के लिए पानी मिलाना पड़ता है, तो पेट में भी खाना पचकर रस बनेगा तो रस में पानी मिलाना पड़ेगा। तो खाना पचने के बाद जब रस बने तब पानी पियो। आप बोलोगे ये कितनी देर में होता है? ये लगभग 1 से 1.5 घंटे में होता है। हमने 10 बजे खाना खा लिया तो 11 बजे के आसपास रस बनना शुरू हो जाए, और 11:30 बजे तक वो बनता रहता। तो 11 से 11:30 के बीच पानी पियो, मतलब 1 से 1.5 घंटे के बाद पानी पियो। खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद ही पानी पीना।
समझ में आ गया? फिर आप बोलोगे खाना खाते ही प्यास लगे तो क्या पीना। कई लोग कहते हैं कि मुंह सूखता है, गला सूखता है, प्यास लगती है तो क्या पीना। तो आयुर्वेद ने ये कहा कि खाना खाते ही अगर प्यास लग रही है तो तीन चीजें पीना, पानी छोड़कर, पानी तो नहीं पीना, तीन चीजें पीना। तो क्या पी सकते हैं? एक तो पीना दूध, दूसरा पीना मट्ठा, मट्ठा माने लस्सी, छाछ कहते हैं, हाँ, तो दूसरी पीनी छाछ, और तीसरा पीना कोई भी फल का रस। खाने के तुरंत बाद अगर प्यास लगे तो या तो दूध पियो, या तो छाछ पियो, या तो फल का रस पियो, पानी मत पियो। पानी पीना है एक से डेढ़ घंटे के बाद। अब आप ये ध्यान से याद रखो कि सवेरे का खाना अगर खाया हो तो हमेशा फलों का रस पियो खाने के बाद, दोपहर का खाना खाया हो तो हमेशा छाछ पियो खाना खाने के बाद, और रात का खाना खाया हो तो हमेशा दूध पियो खाने के बाद। सवेरे पीना है फलों का रस, दोपहर को पीनी है छाछ, और रात को पीना है दूध। अब आप पूछोगे ये क्यों, क्या दूध सवेरे नहीं पी सकते, क्या छाछ रात में नहीं पी सकते, क्या फलों का रस कभी नहीं पी सकते? आयुर्वेद में ये कहा गया कि कोई भी चीज मन मर्जी से कभी भी खा पी नहीं सकते, उसके तरीके हैं, नियम। छाछ पीनी है तो दोपहर को ही पीना, दूध पीना है तो रात को ही पीना, और जूस पीना है तो सवेरे। कारण उसका ये है कि हमारे पेट में कोई भी चीज खाए या पिए उसको पचाने के लिए खास तरह के पाचक रस की जरूरत पड़ती है, जिसको MBBS वाले कहते हैं एंजाइम्स, और हम संस्कृत वाले कहते हैं पाचक रस। एंजाइम्स माने पाचक रस। अगर दूध पीना है दूध को पचाने के लिए पाचक रस चाहिए, दही खाना है दही को पचाने के लिए पाचक रस चाहिए, जूस पीना है जूस को पचाने के लिए पाचक रस चाहिए। तो जूस को पचाने वाला जो पाचक रस है वो पेट में सवेरे सवेरे ही बनता है, इसलिए आयुर्वेद कहता है कि सुबह जूस पियो। दही और छाछ को पचाने वाला पाचक रस दोपहर को बनता है, इसलिए आयुर्वेद कहता है कि लस्सी या छाछ दोपहर को पियो, और दूध को पचाने वाला पाचक रस शाम को बनता है, इसलिए कहा गया है दूध शाम को पियो। तो सवेरे का खाना खाने के बाद जूस पियो, दोपहर का खाने के बाद लस्सी छाछ, और रात का खाने के बाद दूध पियो। समझ गए? अब आप ये कहोगे जूस तो बड़ा महंगा है, कहां से लाए इतना पैसा? तो सबसे सस्ता जूस है नींबू की शिकंजी बनाते थे। नींबू ले लो, पानी में घोल लो, थोड़ी उसमें गुड़ मिला लो और थोड़ा नमक डाल लो, शिकंजी तैयार हो गई। सुबह के खाने के बाद तुरंत आप शिकंजी पी सकते हो, दोपहर के खाने के बाद छाछ पी सकते हो, रात को दूध पी सकते हो। ठीक है? अब एक आखिरी सवाल आपके मन में ये आ सकता है कि खाने के पहले पानी पिए क्या? तो आयुर्वेद कहता है खाने के पहले पेट भर के पानी पियो, लेकिन 48 मिनट पहले पियो। खाना अगर 10 बजे खाना है तो 9:12 मिनट से पेट भर के पानी पी सकते हो खाने के पहले। खाने के बाद कब पीना है? कम से कम 1 से 1.5 घंटा। ठीक है? पहले पीना है तो 48 मिनट। 48 मिनट में पता है क्या होता है? जितना पानी आप पिएंगे वो सब पच लेता है, पेट खाली रहता है 48 मिनट। पानी को कहां कहां जाना है शरीर में 48 मिनट में सब जगह चला जाता है, इसलिए खाने के पहले पानी 48 मिनट से पिए। अब आपके मन में और एक प्रश्न आ सकता है कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना, लेकिन मैंने ही कहा कि खाने के तुरंत बाद जूस पी लेना, तो जूस में तो पानी है। खाने के पहले पानी पी सकते हैं, खाने के बाद नहीं पीना, लेकिन मैंने कहा कि लस्सी पी लेना, छाछ पी लेना, छाछ में तो पानी ही पानी है, दही तो थोड़ा ही होता है, और दूध पीने का बोला, दूध में तो 96% पानी होता है, 4% ही फैट होता है।
तो ये चक्कर क्या? तो एक तरफ आयुर्वेद कह रहा पानी मत पियो, दूसरी तरफ आयुर्वेद कह रहा जूस पी लो, लस्सी पी लो, दूध पी लो। ये समस्या क्या है? ये समस्या सीधी सी है, वो ये कि पानी जो अकेला होता है ना वो खतरनाक है। पानी जब किसी चीज में मिल जाता है तो बिल्कुल खतरनाक नहीं रहता। पानी का अपना गुण है। पानी के बारे में गाना लिखा गया इस देश में, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, तो जिसमें मिला उस जैसा। तो पानी को दही में मिला दो तो पानी दही जैसा हो जाता है, पानी को दूध में मिला दो तो दूध हो जाता है, पानी को जूस में मिला दो तो जूस जैसा हो जाता है। तो खाने के बाद अकेले पानी नहीं पीना है, जूस वाला पानी पी सकते हैं।